नमस्कार दर्शकों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, श्री भृगुनंदी नाड़ी की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि आपके जन्म पत्री के अंदर आपके हॉरोस्कोप में जो बृहस्पति ग्रह है उसके ऊपर से जब अन्य ग्रहों का गोचर होता है तो आपको कैसे जो फल हैं वो प्राप्त होते हैं, कैसे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, कैसे अनुभव आप करते हैं। साथ ही हम इस चीज की कोशिश करेंगे, चर्चा करने की कि जो बृहस्पति के साथ अन्य ग्रहों का गोचर होता है तो किस तरह से कारक तत्वों को ब्लेंड किया जाता है। भृगुनंदी नाड़ी एक ऐसा जो माध्यम है ज्योतिष में, ऐसी टेक्निक्स हैं भृगुनंदी नाड़ी में कि आप सिर्फ कारक तत्वों को ब्लेंड कर ही प्रिडिक्शन पर पहुंच सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आपकी आपका अभ्यास होता है, आप और परिपक्व होते चले जाते हैं तो साथ में आप डिग्रीज को भी कंसिडर करने लगते हैं, राशियों के कारक तत्वों को, गुण दोष को भी ब्लेंड करते हैं और दूसरे ग्रहों को भी उसमें ब्लेंड करना सीखते हैं तो आपका जो रिजल्ट है प्रडिक्शन का लेवल वो और भी हाई हो जाता है। तो अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले जो भी दर्शक इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे एक अनुरोध है कि हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है भृगुनंदी नाड़ी को टीच कर रहे हैं सबके लिए। तो जितना आप इस चैनल को प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ये चैनल ग्रो होगा। जितना ये चैनल ग्रो होगा उतना ही हमारी जो पहुंच है उन लोगों तक पहुंचेगी कि जो एस्ट्रोलॉजी के एंथुजियास्ट हैं उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और वो खर्चा नहीं कर सकते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भृगुनंदी नाड़ी का अध्ययन कर सकें, उसको सीख सकें। जो ऑलरेडी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और हमें सपोर्ट करें सो दैट कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करें। और ये जो हमने एक मुहिम चलाई हुई है, ये जो हमने एक ड्राइव चलाई है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उसके साथ जुड़कर आप हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करें। मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों, भृगुनंदी नाड़ी में बृहस्पति के ऊपर से जब सूर्य का गोचर होता है तो क्या होता है कि बृहस्पति के ऊपर से जब सूर्य का गोचर होता है तो जो जीव है, जो जातक है, वो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संपर्क में आता है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे कारक तत्वों को कैसे ब्लेंड किया जा रहा है। अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, इस टेक्निक को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में आप अच्छी प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। अब आप यहां देखिए कि बृहस्पति जो है गाइड है, ठीक है, बृहस्पति एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है, बृहस्पति एक एडवाइजर भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, बृहस्पति जो है जीव के कारक हैं, बृहस्पति ऑक्सीजन है, बृहस्पति पथ प्रदर्शक है, सूर्य राजा है, प्रतिष्ठा है। अब राजा से प्रतिष्ठित कौन हो सकता है? तो जीव किसके संपर्क में आ रहा है? जो लोग प्रतिष्ठित हैं, जो लोग गाइड कर सकते हैं, जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन करने की ताकत है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नेचुरली जो प्रतिष्ठित व्यक्ति रहेगा, जो हर तरफ से वेल्दी व्यक्ति होगा, अच्छे पद पे होगा, गाइड कर सकेगा, वो समाज में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटर का रोल, पथ प्रदर्शक का रोल जो है वो अदा करेगा। अगर आप इसको किसी भी लेवल पर देखें, बड़े लेवल पर देखें, एक बहुत प्रतिष्ठित जो व्यक्ति रहते हैं, अफसर रहते हैं, वो मंत्रियों को सलाह मशवरा देते हैं। जब उसी चीज को आप नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेकर आएंगे तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहते हैं तो उनके साथ जो लोग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं या समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, तो वो एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और एक सोशल सेटअप को गाइड कर कर
एक दिशा में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि जो जातक है वो जीव है, बृहस्पति जीव का भी कारक है, वो प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क में आता है, ठीक है। सुसंस्कृत व्यक्तियों से उसे सहयोग मिलता है। जो लोग कुलीन वर्ग के हैं, उच्च वर्ग के हैं, उच्च पदों पे आसीन हैं, कोई मंत्री हैं, कोई बड़े अफसर हैं, बड़े अफसरान हैं, उनसे जो व्यक्ति है संपर्क में आता है और उन्हें सहयोग मिलता है। कोई उसकी एप्लीकेशन लगी हुई है, या वो पढ़ रहा है, उसे एकदम ब्रेक मिला और जो व्यक्ति है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अदायरे में चला गया, प्रमाइसिस में चला गया, जहां पर वो एक लॉयल, जो रॉयल लोग हैं, जो कुलीन वर्ग के हैं, एरिस्टोक्रेट हैं, उनके टच में आ रहा है, या उसके दोस्त मित्र ही ऐसे हैं जो बहुत उच्च वर्ग के हैं। कहने का मतलब, जातक जो है उसे कहीं ना कहीं समाज में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी पैठ रखते हैं, अपना रुतबा रखते हैं, उनसे उसका संपर्क बढ़ेगा और उसे सहयोग मिलेगा। फिर आप देखिए जो थर्ड बात उन्होंने बोली है कि समाज में जातक का रुतबा जो है वो ऊंचा होता है, स्टेटस जो है वो बढ़ता है। अब आप देखिए कि सूर्य जो है वो मेष राशि में जाकर उच्च के हो जाते, अग्नि तत्व के ग्रह हैं दोनों, ठीक है। फिर जो सेजिटेरियस है वो मूल त्रिकोण है, सेजिटेरियस हमारा भाग्य स्थान है, ठीक है। भाग्य स्थान से जो नेक्स्ट है, जो फर्स्ट से नेक्स्ट होता है वो उसको बढ़ाता है। भाग्य स्थान से जो नेक्स्ट हाउस है वो 10th हाउस है, जो कि स्टेटस को शो करता है, योर ऑफिस प्लेस। तो क्या हो रहा है कि जातक का जो समाज में स्टेटस बढ़ रहा है, जातक समाज में एक अच्छे स्टेटस, अच्छे रुतबे के ऊपर पहुंच रहा है। कोई ना कोई ऐसा, अगर देखिए, अब सूर्य के, बृहस्पति के ऊपर से सूर्य साल में एक बार जरूर गोचर करे, तो हमेशा ही उसे प्रमोशन थोड़ा मिलती है। ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। लेकिन हम दशा भुक्ति अंतरा को भी देखेंगे, हम देखेंगे कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, या वो टिप्पणी करते हैं कि आप जो हैं भृगु नंदी नाड़ी में दशा भुक्ति अंतरा या मतलब दृष्टि को भी वो दे रहे हैं इंपॉर्टेंस। तो उन लोगों से मैं ये बता पूछना चाह रहा हूं कि किस ग्रंथ में ये लिखा है कि आप दशा भुक्ति अंतरा को मत देखिए। आपको एक नॉलेज है, प्राचरी पढ़ी है आपने, साथ में आके एक हेल्पिंग टूल और सीख रहे हैं, तो आप उनको ब्लेंड कीजिए, सो डेट यू कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि ट्रांजिट में, ये डायनेमिक ज्योतिष में ये रिजल्ट आ जाएगा जी, ये उसके ऊपर से गया, जातक की प्रमोशन हो गई। कैसे हो गई? हर बार ही प्रमोशन होगी, साल में बृहस्पति के ऊपर से सूर्य जो है एक बार गोचर करेगा ही करेगा, फिर ट्रांजिट के बृहस्पति को भी मिलेगा, तो हमेशा जातक प्रमोशन होती रहेगी। जातक नहीं है ऐसा, जब एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो यदा कदा चीजें होती हैं, प्रमोशन हमें हमेशा नहीं मिलती है, ठीक है। हमारा ट्राइन कनेक्शंस क्या है, कौन से प्लेनेट कहाँ गोचर कर रहे हैं, किस चीज की दशा चल रही है, ये सब चीजों के ऊपर गौर करना। जितना आप प्रिसाइज प्रडिक्शन करना चाहते हैं, जितनी आप अच्छी और एक्यूरेट प्रडिक्शन करने चाहते हैं, उतने ही ज्यादा पैरामीटर्स को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप कई बार आप देखेंगे, आप कारक तत्वों को जोड़ के प्रडिक्ट करेंगे, वो चीज नहीं निकलेगी, ठीक है। हमारे पास, हमें एस्ट्रोलॉजी में हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, हमारा पर्पस ऑफ लर्निंग और हमारा पर्पस ऑफ रीडिंग अ हॉरोस्कोप, जन्म पत्री को देखने का पर्पस क्या है, ये मायने रखता है। और जो वो पर्पस है उसी के हिसाब से हमारी अप्रोच होगी, ठीक है। तो
हमें क्लोज माइंडेड होकर लर्न नहीं करना है, हमें जब भी लर्निंग करनी है ओपन माइंडेड होकर करना है, हर चीज को एक्सेप्ट करना है, उसे चेक करना है, उसे अप्लाई करना है और देखें कि रिजल्ट कैसा है। जन्मपत्री में ये योग है, ये कहीं ना कहीं रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य रॉयल है, जीव है, जीव रॉयल, रॉयल लीनियज, या कहीं उच्च पद के ऊपर आसीन इंसान। ये योग आपको अत्यधिक जो पावरफुल पोस्ट है वहां पर लेके जा सकता है, अगर करेक्टली सपोर्टिव प्लैनेट्स भी साथ में। ठीक है, तो मेरे जो दर्शक हैं, जो मेरे माध्यम चैनल चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं या अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि वो ओपन माइंडेड हों, चीजों को सीखें, चीजों को अप्लाई करें। कहाँ उन्हें दशा भुक्ति अंतरा को अप्लाई करना है, कहाँ उन्हें कारक तत्व को ब्लेंड करके क्या प्रेडिक्शन निकालनी है, किस क्वेश्चन के लिए कौन सा टूल अप्लाई करना है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब आपकी जन्म पत्री में वो योग नहीं होगा तो ट्रांजिट में आपको बहुत फीबल, बहुत ही कमजोर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कोई योग है वो पर्टिकुलर एक्टिवेट हो रहा है, पता लगा आपने आईएएस का एग्जाम दिया था, आप सिलेक्शन हो गई, पता लगा आप एमएलए जीते थे, आप मिनिस्टर बन गए। ठीक है, आपने कोई अच्छी पोस्ट का एग्जाम दिया, क्लर्क का भी एग्जाम दिया, उसमें थोड़ा सा कोई ऐसी पोस्ट है जहां पे रुतबा बहुत अच्छा है, स्टेटस बहुत अच्छा है, आप बेरोजगार थे, यू गॉट अ जॉब, स्टेटस में बढ़ोतरी होगी। देश काल पात्र समय और परिस्थिति है ना, देश काल पात्र परिस्थिति, इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब ये योग आपकी अगर उसमें नहीं है जन्मपत्री के अंदर प्रॉपर, तो लेकिन ट्रांजिट में वो आपको प्लीजेंट इफेक्ट्स देगा। आपने कोई एप्लीकेशन दी थी, आपका कोई काम अटका हुआ था, निकल गया, ठीक है, आपने अप्लाई किया था किसी चीज के लिए, आपने आपका कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम था वो अटका हुआ था, आपने उसको अपील की थी, आपकी सुनवाई हो जाएगी आपके फेवर में, जो आपकी रिक्वेस्ट सुनने वाले जो अधिकारी हैं उनका जो व्यू रहेगा वो आपके फेवर में रहेगा। आपके घर में कुछ ऐसा काम हो सकता है कि जिसमें आपकी रेपुटेशन आपको अच्छा लगे, अधिकारी आपको शाबाशी दे सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर इंटेंसिटी का बहुत फर्क पड़ रहा है कि रिजल्ट किस इंटेंसिटी से मिल रहा है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना अत्यधिक आवश्यक। हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा देखिए स्त्री ग्रह है, जल तत्व का ग्रह है, लेकिन मातृत्व को भी सिग्निफाई करता है, चेंजेस को सिग्निफाई करता है, ट्रेवल्स को सिग्निफाई करता है, सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में। तो इट सिग्निफाइज चेंजेस, विचारों का चेंज होना, जगह का चेंज होना। अब जो जीव है, बृहस्पति जो जीव को रिप्रेजेंट करता है, ये मित्र ग्रह हैं आपस में। कर्क राशि में ही जो बृहस्पति है वो जाकर उच्च का होता है, चंद्रमा की अपनी एक ही राशि, ठीक है, कर्क राशि। वृषभ में ये उच्च का हो जाता है। वृषभ राशि का आप देखिए, वृषभ राशि खाने आप धन कुटुंब वाणी जो अकोमोडेट आप कर रहे हैं, जो आप माउथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, वहां जाके चंद्रमा उच्च का हो जाता है, चंद्रमा फूड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो स्त्रियों को रिप्रेजेंट करता है जो बड़ी उम्र की, ठीक है, तो बृहस्पति स्त्रियों के संपर्क में आता है। अब ये आगे बृहस्पति और चंद्रमा के, आपके जो नेटल बृहस्पति और चंद्रमा है वो मैलेफिक इफेक्ट्स में है या बेनिफिक इफेक्ट्स में है, ये इस चीज को डिसाइड करेंगे कि इंटेंशंस क्या है। आप स्त्रियों के संपर्क में है, आपकी पायस इंटेंशन है, पवित्र इंटेंशन है, आपको कोई फायदा हो गया वो अलग चीज है, सपोर्ट मिल गई,
अब आप मैलिफिक इंटेंशंस के लिए संपर्क में आए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं या कोई और चीज कर रहे हैं, दैट इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ मून एंड योर नेटल बृहस्पति और उस पे इफेक्ट्स कौन से ग्रहों का आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो मेरा ये मानना है कि आप काफी अच्छी प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, अचानक यात्रा, शॉर्ट टर्म जो जर्नीज हैं, ठीक है, चंद्रमा से देखी जाती है, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति 9th हाउस जो है उसकी सेजिटेरियस जो राशि है वो भाग्य का वो भी है, सिग्निफिकेटर भी है, और 9th हाउस लॉन्ग जर्नीज, ओवरसीज जर्नीज को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है फॉरेन सेटलमेंट को। अब चंद्रमा चेंज है, बृहस्पति और चंद्रमा आपके नेटल चार्ट के अंदर अगर हैं, आप एब्रॉड जाना चाहते हैं, कहीं राहु का भी वहां इन्वॉल्वमेंट हो गया, एब्रॉड जाने के चांसेस आपकी कुंडली में बहुत ब्राइट हो जाएंगे, क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 12th हाउस पाइसिस, व्यय स्थान, वहां का जो को लोड बृहस्पति राहु के साथ है, ठीक है, बृहस्पति और चंद्रमा। अब यहां राहु भी अगर ट्राइन कनेक्शन में, कोई कनेक्शन में आ रहा है, दोनों को इंपैक्ट कर रहा है, तो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ गोइंग अब्रॉड। ठीक है, वहीं ये आपको कफ प्रकृति की तरफ वजह से प्रॉब्लम्स देगा। ठीक है, जब अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में कोई, अब ये एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स है जब वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो है वो एक्टिवेट होता है, राहु केतु शनि जो स्लो मूविंग प्लैनेट भृगु नंदी नाड़ी में चीजों को एक्टिवेट करते हैं बृहस्पति के साथ, या अगर वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो पता लगा कि आपने घर में बोला कि चलो आज डिनर बाहर करके आ, या ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि आप जो है डिनर जो है बाहर कर रहे हैं, ठीक है, बाहर डिनर करने जा रहे हैं, कोई डिनर पार्टी अटेंड कर रहे हैं, चंद्रमा फूड, यू आर ट्रेवलिंग वेरी शॉर्ट ट्रेवल्स, जा रहे हैं कहीं पार्ट डिनर पे, बृहस्पति जीव खाना खाने जा रहे, चंद्रमा रात्रि में आता है डिनर पार्ट। देखिए चीजें आपस में कैसे ब्लेंड हो रही हैं, किस तरीके से चीजें जो हैं, कारक तत्व जो हैं वो ब्लेंड हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखिए कि बृहस्पति के ऊपर से जब मंगल का गोचर होता है तब आप देखेंगे कि जातक का जो ब्लड प्रेशर है वो एकाएक उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। मंगल एनर्जी है, बृहस्पति जीव है, मंगल रक्त को भी सिग्निफाई करता है, ब्लड को, ठीक है, मंगल एनर्जेटिक है, लॉजिकल है, एरी साइन जो है वो मंगल का मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है, तो मूल त्रिकोण का मतलब क्या समझते हैं, चीजों को माइन्यूटली आप पकड़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है ज्योतिष, मतलब मंगल का जो स्वभाव है वो मूलतः मेष राशि जैसा है, एरिस जैसा है, इसीलिए वो मूल त्रिकोण राशि है। अब स्कॉर्पियो है वो एडिशनल कर्तव्य की तरह है, वहां का भी मंगल स्वामी है, लेकिन मूल त्रिकोण मतलब जिस त्रिकोण में मंगल आता है, धर्म त्रिकोण में, मूल स्थान बेसिक, हम बोलते हैं आपका मूल स्थान कहाँ के रहने वाले हैं, हम बोलते हैं जी हम सो एंड सो स्टेट डिस्ट्रिक्ट के नेटिव प्लेस। तो जातक जो है उसको ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है, उसमें एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जेटिक हो जाता है जातक, एकाएक एम्बिशियस हो जाता है, बड़ी प्लानिंग करेगा, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि आप देखते हैं जो गोट है, जो वो पहाड़ी बकरी होती है राम, जिसको मेष राशि के साथ जोड़कर देखा गया, वो ऊंचाई पर चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, उसका एम है ऊंचाई को हासिल करना, नीचे नहीं देखती, वो डरती नहीं है, जहां कोई नहीं पहुंच सकता
वो उस चढ़ाई को चढ़ती है, मंगल बृहस्पति शाही खून, जहां दूसरा कोई पहुंच ना सके उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के बारे में सोचो। डिसिप्लिन है, लॉजिक है, जीव में वो चीजें एक्टिवेट होंगी, एक का एक वो लॉजिक को एक्सरसाइज करने लगेगा, थोड़ा डिसिप्लिन हो जाएगा, ठीक है। जिद्दी है, मंगल हठी है, अब जिद नहीं होगी तो इंसान आगे नहीं बढ़ेगा, वो बोले ठीक है थक गए हैं आप बैठ जाते हैं, लेकिन जिद्दी जो है उसके अंदर की जो आग है वो कहती है नहीं कम ऑन लेट्स डू इट, हमें ये करना ही है, क्या हुआ अगर थक गए, लेकिन हम जरूर करेंगे। अब मंगल एनर्जेटिक होने के साथ साथ इम्पेशेंट है, उसे हर चीज जल्दी चाहिए। अब जीव क्या कर रहा है, उसे जल्दबाजी हो रही है, हर चीज को फटाफट करना चाहता है, हाईलाइट होना है उसे जल्दी करके कि मैं तो सबसे अलग, ठीक है। अब जातक जो है अपने, अब यहां पर आप देखिए कि बृहस्पति 9th के साथ 12th का भी लॉर्ड है ना, मंगल मेष राशि का लॉर्ड है काल पुरुष कुंडली में, वहां पर वो क्या है जो हमारा लगन है, काल पुरुष कुंडली का जो लगन है उसका लॉर्ड है मंगल, व्यय भी करवा रहा है, एनर्जी का व्यय भी करवा रहा है, थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति लापरवाही, ठीक है। फिर आप देखिए कि जातक के मित्र के बेस में जो शत्रु बैठे हैं वो उसको परेशान करने की कोशिश करेंगे उस दौरान, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, स्कॉर्पियो राशि कम इन टू प्ले, हिडन चीज है, मित्र के भेष में शत्रु, छदम युद्ध, जो छापा मार लड़ाई जैसे होते हैं ना, छुप के वार करने वाला, वो ऑलरेडी ब्लैंकेट लेकर बैठे हैं फ्रेंड की, अब वो अपनी जो काम करना चाहता है आपके अगेंस्ट उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करे, गुप्त रहस्यमय तरीके से, अंडरकवर षड्यंत्र, ठीक है। फिर आप देखिए आगे बोलते हैं कि शरीर मंगल जो है अग्नि तत्व के हैं, शरीर में गर्मी की अधिकता रहेगी, पित्त एलिमेंट बढ़ जाएगा। अब अगर स्त्री जातक है, देखिए आप एक चीज को नोट कीजिए कि मैं आपको जो भी गोचर के परिणाम बता रहा हूं, जो ग्रहों की श्रृंखला हमने शुरू की हुई है, वहां मैं स्त्री जातक वाली चीज को भी मेंशन करता हूं कि अगर वही कॉम्बिनेशन स्त्री जातक की कुंडली में है तो कैसा रिजल्ट मिल सकता है। मंगल पति का कारक है, 12th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, जो कि चेंजेस, व्यय, मूविंग अब्रॉड, निवास स्थान में परिवर्तन हो सकता है पति को कोई, लेकिन जो परिवर्तन, अब बृहस्पति शुभता के कारक भी हैं, तो जो परिवर्तन होगा वो किसी ना किसी शुभ कार्य की वजह से होगा और प्रॉफिटेबल होगा। 11वें स्थान के कारक भी बृहस्पति, तो आप ये देखिए, फिर ये डिपेंड करता है कि आपका जो जन्म पत्री है, जो आपका जन्म का हॉरोस्कोप है, उसमें मंगल बृहस्पति की स्थिति क्या है, गोचर में उस समय पर कोई जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं इन चीजों को एक्टिवेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दशा भुक्ति अंतरा क्या कहता है, इन चीजों को कंसिडर करके फिर आप अगर किसी ठोस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू वंडरफुल प्रेडिक्शंस। आज मैं आपको टेक्निक्स भी बता रहा हूं, कारक तत्वों को ब्लेंड कैसे हो रहा है, कैसे फलित हो रहा है, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू क्रैम द थिंग्स, यू जस्ट अंडरस्टैंड, आप सिर्फ समझें चीजों को, कारक तत्व कैसे आपस में मिल रहे हैं। अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस में रहेगा तो नेगेटिव चीजों का ज्यादा इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बृहस्पति के ऊपर से अगर बुध का गोचर हो रहा है तो बुध लर्निंग है, बृहस्पति ज्ञान है, जातक जीव जो है कुछ ना कुछ पढ़ेगा,
कुछ नई चीज को लर्न करने के बारे में सोचेगा, आध्यात्मिकता की तरफ जाएगा, किसी गुरु की से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, उसे कुछ नए अनुभव होंगे, जातक को ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुध लर्निंग है, बृहस्पति ज्ञान है, सिंपल। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट करेगा तो ज्ञान की बातें के ऊपर चर्चा करेगा, ठीक है, वेदों के ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। देखिए यहां पर दोनों चीजों के कारक तत्व, बुध और उसके दोनों के कारक तत्व जो हैं वो ब्लेंड हो रहे हैं। फिर अगर महिला जातक है वहां पर ये कम्बिनेशन हो रहा है, और कहीं बुध चंद्र और बृहस्पति का ट्राइन कनेक्शन या कोई ऐसा नेगेटिव कम्बिनेशन जन्म पत्री के अंदर है, तो एकाएक उस स्त्री को अपने पति से डिससेटिस्फाई फील करेगी, डिससेटिस्फेक्शन लगेगी, उसे लगेगा कि वो सो एंड सो जो पुरुष है वो ही इज बेटर देन माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड से ज्यादा अच्छा है, मेरा हस्बैंड तो, उसका इंटरेस्ट दूसरे पुरुषों में जाएगा। तारा योग की हमने एक बार बात की थी। अब बुध चंद्रमा जो है बृहस्पति के पास गए विद्या हासिल करने के लिए, जहां पर उनका संपर्क जो है तारा से हुआ, फिर उससे लेजिटिमेट जो एक चाइल्ड हुआ बुध, जिसे बाद में मतलब बृहस्पति, ऐसी स्टोरी है, फिर बृहस्पति ने जो है उसको अपना लिया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन चीजों को भी ट्रिगर करेगा, ठीक है। फिर आपने देखा कि ऐसी जो स्त्री है वो अन्य अपने वेल विशर्स उसे लगेंगे, दूसरे मेरे वेल विशर्स हैं, डिससेटिस्फेक्शन फ्रॉम ओन पार्टनर, दैट इज द रीजन, यही कारण रहेगा संबंधों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाने का। आपने उसे डिससेटिस्फेक्शन रहेगी कि मेरा पति इतना स्टेटस वाला नहीं है जितना उसे चाहिए, या शी विल थिंक कि मेरा पार्टनर जो है वो इतना मतलब पैसे वाला नहीं है, और वो किसी ना किसी वजह से वो दूसरे लोगों के संपर्क में या उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेगी, उसका स्टेटस बहुत अच्छा है ना। तो ऐसे होंगे जो परिवार के युवा हैं, परिवार में एक माहौल रहेगा कि जिसमें उन्हें मतलब कॉर्डियल माहौल नहीं रहेगा, वो अपनी खुशी को बाहर कहीं और हासिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोनों कारक तत्व, बुध जो है युवा को रिप्रेजेंट करता है, बुध, अब बृहस्पति बुध को शत्रुता नहीं करता, शत्रुता जो है बुध बृहस्पति से करता। अब बृहस्पति के ऊपर से शुक्र का गोचर होता है, दोनों ग्रह जो हैं ये गुरु ग्रह हैं, शुक्राचार्य गुरु हैं, बृहस्पति भी गुरु हैं। अब वहां ईगो प्रॉब्लम होना, गलतफहमी होना, ये एक स्वाभाविक सी बात है। अब शुक्र जो है वैभव को, धन दौलत को, मान सम्मान को, इसको सिग्निफाई करते हैं, लग्जरी को सिग्निफाई करते हैं। बृहस्पति भी जो है ज्ञान की वजह से आप पैसे को अर्न कर सकते हैं, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है, और आज के युग में मान सम्मान में बढ़ोतरी होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आर्थिक लाभ हो जाना, आर्थिक उस पे जातक अच्छा होना, कोई आर्थिक लाभ हो जाए। लेकिन ये कम्बिनेशन कहीं ना कहीं जो आपके घर में गलत फहमियों का माहौल जो है पैदा कर देगा। जब बृहस्पति और शुक्र मिलते हैं, जो शनि जो होता है वो केतु स्वभाव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए केतु डिटैच करते हैं, मतलब कर्म जो है, इंसान के जो कर्म है ना वो त्यागी होता है, ऐसा इंसान त्याग की भावना रहती है उसके अंदर, लालच नहीं रहता, त्याग दूसरों के बारे में सोचने वाला होता है, ठीक है। जब शुक्र का बृहस्पति से गोचर होगा, शुक्र सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र सिग्निफिकेटर है लग्जरी का, तो सुंदर वस्तुओं को, आरामदायक वस्तुओं को, अपनी जिंदगी में लग्जरी बढ़ाने वाली वस्तुओं को जातक अकमुलेट करता है, खरीदता है, कार ले ली, पहले कोई और कार थी अभी बड़ी कार ले ली, इम्पोर्टेड कार ले ली,
घर में एसी लगवा लिया, पेंट्स करवा लिए, नया फर्नीचर ले लिया, नए कपड़े लिए, परफ्यूम्स लिए जा रहे हैं, किसी 5-स्टार होटल में विजिट की जा रही है। ठीक है, ऐसे काम होते हैं। अब जातक की जो पत्नी है, ठीक है, शुक्र जो है पत्नी का कारक है, बृहस्पति जो है गाइड का कारक है, तो उसकी पत्नी की जो मुलाकात है किसी पवित्र आत्मा से या जो गुरु तुल्य लोग हैं उनसे हो सकती हैं, वो किसी धार्मिक समारोह में जा सकती हैं, ठीक है, और या किसी धार्मिक समारोह का आयोजन कर सकती हैं। बृहस्पति और शुक्र जो है वो ज्ञान को, अत्यधिक ज्ञान जो होता है और वैभवता लिए हुए ऐसे गुरु जो बहुत चमक धमक वाले हैं, ठीक है, ज्ञान से वैभव अर्जित करना, इसको भी रिप्रेजेंट कर। तो यहां आप देखिए कि किस तरीके से जो कारक तत्व है वो ब्लेंड हो रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब बृहस्पति के ऊपर से शनि का जो गोचर होता है, बृहस्पति और शनि को कर्माधिपति योग भी कहा जाता है अगर पत्री में ये एक साथ हो, तो बृहस्पति का के ऊपर से जब शनि का गोचर होगा आपके, तो एक लंबा गोचर है, तो जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन लेके आएगा, आपको कंफर्ट से निकालेगा, मेहनत करवाएगा और रिजल्ट भी देगा। आप अपने मान सम्मान में बढ़ोतरी पाएंगे, पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, आपकी लाइफ में प्रोफेशनल जो है जो प्रोफेशनल गेन्स हो सकते हैं आपको, ठीक है। जो बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन अगर किसी की जन्म पत्री में होता है तो ऐसे जातक बहुत जल्दी अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी जो है पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। जब बृहस्पति के ऊपर से शनि का गोचर होगा और उस समय में जब शुक्र का गोचर शनि के ऊपर से होगा, मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक दे रहा हूं, तो जातक अपनी लाइफ में जॉब, उसकी फर्स्ट जॉब लगेगी, बिजनेस स्टार्ट जो भी करेगा, फर्स्ट अर्निंग्स जो है उस जातक की आए, ठीक है। लेकिन अगर शुक्र शनि को देख रहा हो या शनि की डिग्री ज्यादा हो शुक्र की कम हो, तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि जातक को अपनी अपेक्षा के मुताबिक धन नहीं मिलता, प्रोफेशनल फील्ड में उसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ऐसे जातक को। शनि प्रोफेशन है, बृहस्पति शुभता है, जीव है, तो जीव जब प्रोफेशन और कार्य के बारे में सोचेगा तो नेचुरली उसे मतलब पदोन्नति मिलेगी। ऐसे जातक का जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत कंफर्टेबल होती है, उसे लोग सहयोग करते हैं और अपने प्रोफेशंस में वो अच्छी अचीवमेंट्स को प्राप्त करता है। अब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे इनपुट्स हर तरफ से देने की कोशिश करता हूँ कि जब आपकी शनि जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब आपकी बड़ी आंत को रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति जो है वो गैसियस ग्रह हैं, तो शनि और बृहस्पति का जब कॉम्बिनेशन होगा तो इंसान को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत होती है, आंतों में सूजन आ जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है। तो यहाँ जातक को एक्सरसाइज वगैरह करके अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए, थोड़ा लेजी होता है ऐसा जातक। अब हम बात करेंगे कि बृहस्पति से ऊपर से जब राहु, राहु को काल का सिग्निफिकेटर भी बोला गया है बृहस्पति में, और सॉरी इसमें भृगुनंदी नाड़ी में, क्षमा चाहता हूं। और जो बृहस्पति हैं वो जीव हैं, तो जब राहु जो है बृहस्पति के ऊपर से गोचर करेंगे तो आप देखेंगे कि इंसान को मति भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, एल्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, वो एक अनजाने भय से पीड़ित हो जाता है। और ऐसी भी संभावना है कि अगर केतु का शनि से कॉम्बिनेशन होता है और जातक जीवन की लेटर स्टेज के अंदर है, तो आप देखेंगे कि जो वो जातक है मतलब उसके जीवन के ऊपर भी खतरे के बादल मंडराते हैं, ठीक है। उसे ऐसा महसूस होता है कि हर तरफ मतलब उसे नाकामयाबी मिल रही है, जहां भी वो हाथ लगा रहा है वो नाकामयाब हो रहा है,
या वो हर तरफ से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो बर्बाद हो गया। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हृदय घात, हृदय से संबंधित दिक्कतें, सांस से संबंधित साइनस होना, अस्थमा होना, ऐसी दिक्कतें भी जातक को हो सकती है। वात से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी जातक को होने की संभावना रहती है, जैसे कि गठिया हो गया। तो जातक को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए जब राहु का गोचर बृहस्पति के ऊपर से हो रहा है। अगर आपकी कुंडली में ये कम्बिनेशन है तो खास तौर पर अपने खाने पीने का कंट्रोल रखें, और साथ ही अपने जो एक्सरसाइज वगैरह करें, अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो कई बार जातक ओवर ईटिंग की वजह से बीमार हो जाता है, ज्यादा खा लिया, लीवर फैटी हो गया और पाचक तंत्र में दिक्कतें हो गई, पेट खराब हो गया। अब आप देखिए कि जो पेट है वो 100 बीमारियों की जड़ है। अब राहु जो है डिजायर है, खा रहा है इंसान, भूख नहीं, भूख खत्म हो गई है, लेकिन डिजायर टेस्ट बहुत अच्छा है। दो चीजें और, बस दो जलेबी और खा लो, लेकिन वो हेल्थ को नुकसान कर रही है। दो आइसक्रीम से स्कूप और खा, मिल्क प्रोडक्ट्स का अत्यधिक सेवन, फैट वाली चीजें बहुत ज्यादा खाना, और एकदम लेथर्जिक हो जाना, लेजी हो जाना, एक्सरसाइज ना करना, ये कम्बिनेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बृहस्पति के ऊपर से अगर केतु का गोचर होता। केतु चेला है, बृहस्पति गुरु है। केतु डिटैच करता है, मुक्ति दिलाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कम्बिनेशन बन रहा है, ऐसा कोई गोचर हो रहा है, तो जातक चिंतन करता है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पुराने जो एशियंट सब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी, अध्यात्म का अनुभव करता है, उनका अध्ययन करता है और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि जीवन का तो कोई मूल्य नहीं है, वो एक अंधकार से बाहर निकलता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, अपने आगे को संवारना चाहिए, मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाता है। ठीक है, त्याग, त्यागी होता है, त्याग के बारे में सोचता है। लेकिन केतु और बृहस्पति का अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बृहस्पति के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है, तो नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन करता है। ऐसा इंसान धर्मात्मा, पवित्र तरह के उच्च जो मानसिकता वाले लोग होते हैं, गुरु तुल्य जो लोग होते हैं, जिन्होंने अध्यात्म में कोई मुकाम हासिल कर लिया होता है, जो धर्मात्मा होते हैं, ऐसे लोगों के सानिध्य में, सानिध्य उस जातक को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे जातक को अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो आज तो ये हमारी चर्चा थी कि बृहस्पति के ऊपर से जब अन्य ग्रहों का गोचर होता है तो उसके जो जर्नल प्रडिक्शंस हैं वो क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और ये जो हम ज्ञान के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा। और फिर से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया जो नए जुड़े हैं या जो पुराने दर्शक हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट कि इस जो सेवा मैं करना चाह रहा हूं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। नमस्कार।